subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hi my lovely stars and angels, welcome to Adda 24/7, government job in your pocket. कैसे हो friends आप सभी? सुबह के 5 बज गए हैं, 3 अक्टूबर को मैं आपके सामने आ गया हूँ क्या? Peculiar English के साथ. तो guys, आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे और नए वर्ड लेके आ गया हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, जो कि मुझे पक्का पता है कि आप लोग इसको देखेंगे और अगर आपको पसंद में आए तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देंगे. तो आज का हमारा पहला वर्ड है आपकी आंखों के सामने, अ क्लेवर डिक. अ क्लेवर डिक आपने हो सकता है आज आपके लिए नया हो. क्लेवर डिक वो इंसान होता है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है और दूसरे आदमी को परेशान करता है. क्लेवर होना अच्छी बात है, लेकिन क्लेवर डिक होना बुरी बात है. ये नेगेटिव सेंस में इसको यूज करते हैं. अगर आप कोई आदमी ज़्यादा चालाक बन रहा है अपनी लाइफ में, तो आप इसको बोल सकते हो, हे डोंट बी अ क्लेवर डिक. ज़्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है. तो डोंट बी अ क्लेवर डिक का मीनिंग क्या होता है? तो अ पर्सन हु इज वेरी क्लेवर एंड अनॉयज अदर्स. ठीक है ना, दो आदमी बहुत ज्यादा चलाक होता है लेकिन दूसरे इंसान को परेशान करता है. कंप्यूटर में होता है, जरा एक बार पिक्चर दिखाइए. डोंट बी अ क्लेवर डिक. ठीक है ना, कोई खेल में ज्यादा चौड़ा हो रहा होगा तो कोच आया, कोच ने आके उसको धमका दिया है, ज्यादा चलाक बनने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? आई होप आपको ये वर्ड पसंद आया होगा. जल्दी से फटाफट एक लाइक कर दीजिए. तो आज का हमारा दूसरा वर्ड है आपकी आंखों के सामने, अ चाइनीज वॉल. अब चाइनीज वॉल के बारे में आपने सुना है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम ये आप लोगों का बनता है. अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम ये बनता है, ना जाने कितनी बार ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा चुका है. चाइनीज वॉल का मीनिंग होता है अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. राइट गाइज, चाइनीज वॉल का मतलब वो नहीं होता जो चाइना की वॉल होती है, बहुत ही बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, ये एक चाइनीज वॉल है. कंप्यूटर में होते जल्दी से जरा एक बार आंसर दिखाइए. अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? चाइनीज वॉल. तो अब हम इसको देखेंगे पिक्चर की हेल्प से. इट इज नॉट अ चाइनीज वॉल, यू कैन इजिली सॉल्व इट. राइट, ये कोई चाइनीज वॉल नहीं है यार, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. तो यही कुछ पिक्यूलियर वर्ड्स हैं, विचित्र वर्ड्स हैं, जो आप लोगों को आपके एग्जाम में उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तो गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं मेरे वो भी इस पिक्यूलर इंग्लिश का मजा ले सकें, उसको देख सकें और अपनी वोकैब को एनरिच कर सकें. अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को देखना ना भूलें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.